सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मानता हूँ काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बस बस एक छोटी सी ट्रेजिडी हो गई थी मेरे साथ कि मेरे पैर में जो है चोट लग गई थी, तो इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। चलिए शुरुआत पट्टी से ही कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार इधर उधर लग जाती है ना उंगली, तो इसमें दर्द होता है, पेन होता है काफ़ी ज़्यादा, और फिर ब्लड आने लगता है। तो पहले पट्टी कर लेते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, जैसे मैं आज 5 बजे उठा था ना, तो मैं उसके बाद मुझे नींद आ रही थी काफ़ी, क्योंकि मुझे इसके दर्द की पेन किलर लेनी पड़ी थी, जिसके कारण मुझे ना मैं उठ नहीं पाया था। सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं दोबारा सो गया था। जिसके बाद मैं दोबारा उठाऊँ 7 बजे, मुझे लगा था कि आधे घंटे में उठ जाऊंगा, बट वो उठ नहीं पाया। सो सॉरी गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड माई कंडीशन। तो मैं फटाफट से फ्रेश वगैरह होकर नहा धो के पढ़ने बैठ जाता हूँ। पढ़ने से पहले बना लेते हैं अपनी टू डू लिस्ट। तो आज का जो मेरा टारगेट रहेगा वो इंग्लिश सिनोनिम एंटोनिम 31 वर्ड और 30 idioms, और ग्रामर में आज करेंगे रानी मैम की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, जो क्लास में उन्होंने मैराथन लिया उससे, और मैथ में करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू, जहाँ पे हमने छोड़ा था, और रीजनिंग में 2 सेक्शनल मॉक, और जीएस में स्टैटिक जीके का एक टॉपिक जो होगा पासिस, और नेक्स्ट करेंगे शॉर्ट नोट्स में अपना फिजिक्स स्टार्ट। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। देखिए, जब मैंने रूम का सेटअप है ना, वो पूरा चेंज कर दिया। जो एक खाट थी, मतलब जो पीछे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे थी साइड में, जो कि हमारी मेज के साइड में आ रही थी, यहाँ पे पूरे में आ रही थी। ठीक है, तो और जो ये चार्ट है मैंने बना दिया, फिर मतलब मैं थाली नहीं बैठना जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, बिना पढ़े ना बैठा नहीं जा रहा था, जैसे पैर में चोट लगी बट बैठा नहीं जा रहा था। फिर मैंने ये चार्ट बनाया, इसमें क्या करा, पहले तो स्क्वायर लिखे, जो स्क्वायर है 30 तक लिखे हैं, इसको आगे बढ़ा देंगे जब ये 30 तक याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्यूब लिखे हैं, क्यूब में 20 तक लिखे हैं, उसके बाद अगर याद हो गए ना तो 25 तक इसको लेके जाएंगे। फिर मैंने टेबल लिखी है, वो टेबल ये 10 तक नहीं, इसको मैंने into 13 तक करा है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आती है कि 12 into 13 क्या होता है, 15 into 13 या 15 into 12, तो ये चीज़ भी याद होनी चाहिए, तो थोड़ा एडवांस लेवल पर मैंने इसको बना दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी है ट्रिपलेट बनाने की, ये इवन नंबर की ट्रिपलेट बनाने की ट्रिक है, और ये ओड नंबर के ट्रिपलेट बनाने की ट्रिक है, ये आदित्य रंजन सर ने बताई थी, मैंने उनकी वीडियो देखी थी। ये ट्रिपलेट मैंने कुछ लिख दिए इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद ये मैंने यहाँ पे ट्रिगो की टेबल पूरी, और ये यहाँ पे आइडेंटिटीज ट्रिगो की, और ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशो होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये पूरा चार्ट है, इसको रोज देखा करेंगे, रोज रिवाइज किया करेंगे, ये सबसे पहले काम यही हुआ करेगा। और ये एज इट इज रह गई है, बस इनको मैंने सेटअप कर दिया सही से, ये पूरे रूम की सफाई करी थी मैंने। गाइज, आज के दिन की शुरुआत कर लेते हैं जीके से। जीके जीके में स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स करेंगे अपने शॉर्ट नोट से। फिजिक्स में जो मैंने आज पहला चैप्टर करा था वो था इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मैंने करा है साउंड, और तीसरा मैंने करा है हीट। ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसमें से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। गाइज, फटाफट से कर लेते हैं अपनी फिजिक्स कम्प्लीट। और फिजिक्स में तीनों चैप्टर कम्प्लीट करने के बाद मैं कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट रेडी। मैं काफ़ी लेट हो गया था, और उसके बाद मैंने लेट ही ब्रेकफास्ट किया है, तो खाली चाय भी लेते हैं। सो गाइज, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं उठा लेता हूँ वोकेबलरी में जो मेरा आज का टारगेट आपको पता ही है, 30 idiom, 30 synonym एंड 30 antonym और 31 word। ये synonym antonym मिक्स है इसमें ब्लैक बुक में। तो गाइज, जो कोई ने मुझसे नया जुड़ रहा है तो मैं उसके लिए बता दूं, मैं जो वोकेबलरी करता हूं वो करता हूं ब्लैक बुक से। जल्दी से कर लेते हैं इसको कंप्लीट। तो गाइज, अब कर लेते हैं अपनी मैथ प्रैक्टिस, और मैथ प्रैक्टिस में अपना जो चैप्टर है आज का प्रॉफिट एंड लॉस, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि गाइज, मैंने अपना मैथ कंप्लीट ही किया था, तो मैं जाने वाला था लंच के लिए, उससे पहले ही सिलेंडर वाला आ गया था, तो हमें सिलेंडर लेना था, तो मैंने जाके सिलेंडर लिया। गाइज, अब लोग कहोगे कि सिलेंडर नहीं होता, सिलेंडर होता है, तो भाई हमारी देसी भाषा में सिलेंडर ही होता है। सो गाइज, 12:30 बज चुके ऑलमोस्ट, ठीक है, मुझे मैथ करते करते, तो इसमें से अभी भी थोड़ा पोर्शन रह गया है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो कल कंप्लीट कर लेंगे। अब पहले लंच कर लेते, क्योंकि भूख लगने लगी है, और ये देखो मॉन्स्टर पिंपल आ गया मेरे को, ये बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, तो चलिए पहले लंच कर लेते हैं गाइज, उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज, जैसे मैं लंच करने जाता हूँ तो देखा कि जो दाल है वो फ्रिज में रखी हुई थी, तो पहले मैंने उसको गर्म किया, फिर उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, इससे उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा एनहेंस हो गया। और इसके साथ ले लेते हैं अपने एक दही,
और तो खाने में थोड़ा सा और टेस्ट को एनहेंस कर लेते हैं। तो फटाफट से अपना लंच कंप्लीट करने के बाद आपको आती है बारी ग्रामर की। ग्रामर में आज हम करेंगे रानी मैम की चैप्टर वाइज के मैराथन क्लास। इसमें से आज 1.5 घंटे की क्लास लेंगे हम, और जिसमें जो पहला चैप्टर मैडम करा रही है, इसमें करा रही है सब्जेक्ट वार एग्रीमेंट। उस वाइज जो ग्रामर की मेरी स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी चेंज हो गई है। पहले मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करूंगा रानी मैम की क्लास से, और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा जो रानी मैम की मैराथन क्लास है इससे नेक्स्ट, वो 11 घंटे की है। तो गाइस इंग्लिश की क्लास लेते लेते मुझे बच गए 3। तो अब कर लेते हैं अपने रीजनिंग के सेक्शनल मॉक 2, और उसके बाद उसका रिव्यू करेंगे, और उसके बाद लास्ट में अपनी स्ट्रेटेजी के टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का जो टारगेट है हमारे 2 बचे हैं, रीजनिंग और स्ट्रेटेजी के। ठीक है तो गाइस नेक्स्ट जो मेरा आज का टारगेट है वो है 2 रीजनिंग के सेक्शन मॉक। तो कंप्लीट करते हैं अपना फर्स्ट सेक्शन मॉक। तो गाइस ये रहा मेरा पहले मॉक का स्कोर, 22 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 39 मेरा स्कोर है। बहुत मतलब एक हफ्ते बाद मैंने मॉक दिया है, तो उसमें से 2 गलती हो गई। और जो मेरा प्रॉब्लम रही इसमें, तो वो टाइमिंग की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत टाइम बाद मॉक दिया ना, तो टाइमिंग का थोड़ा इश्यू आ गया, स्पीड नहीं बन पाई, 2 गलत हो गए, और ये 3 मैंने छोड़ दिए। इसमें से एक ये था और एक ये और एक ये तो गलत हो जाता है मेरा, और ये मैंने टाइमिंग की इशू की वजह से छोड़ दिया। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट मॉक लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका स्कोर क्या होगा। तो गाइस अब दे लेते हैं इनका अपना सेक्शन मॉक सेकंड, और जिसमें जो कि होगा 9 दिसंबर Shift 3 2022 का ये मॉक टेस्ट है। तो दे चलिए फटाफट से इसको कम्प्लीट करते हैं। दूसरे मॉक का स्कोर ठीक है, यहाँ से 23 क्वेश्चन मैंने करे थे, 41 मेरे नंबर आए, 2 मेरे गलत हो गए, इसमें भी 2 गलत हुए हैं, बट इसमें जो मार्क्स आए हैं वो इंक्रीज आए हैं, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं। तो इसमें 2 गलत हो गए और 2 मैंने स्किप कर दिए। ठीक है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये। सो गाइस इस मॉक में मेरे 2 गलती आई और 2 मैंने स्किप कर दिए। 2 जो मैंने स्किप करी उसमें से एक था सिमिलर सेट, और जो ये दूसरा था वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, और क्योंकि उसमें पैटर्न बना नहीं, मैंने गैप वाला करा भी था, मैंने एक स्टेप से पकड़ा भी था 23, बट वो समझ नहीं आया उसमें, क्योंकि उसने पता नहीं कैसे कैसे कर रखा था, वो उस टाइम पे समझ नहीं आया। तो गाइस भी सिस्टम ने मैगी बना दे दी, तो वो खाली। सो गाइस 5:13 हो गया है, 1.5 घंटे की मैंने रानी मैम की क्लास ले ली है। ये टॉपिक वाइज मैराथन है, सारे टॉपिक मैम ने कवर करा रखे हैं। इसके बाद जो लेंगे वो है मिक्स क्वेश्चन की मैराथन। ठीक है तो ये लगभग 8 घंटे की है, तो रोज 1.5 घंटा या 1 घंटा पढ़ेंगे ना, तो 5-6 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ये हफ्ते में इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन वाली करेंगे। तो चलिए अब एक हमारा टारगेट रह जाता है स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके में से एक टॉपिक उठाते हैं और उसको कवर करते हैं। ठीक है आ जाओ। तो नेक्स्ट फिर मैंने करी स्टैटिक जीके की क्लास, वो थी ग्रेविक सर की, और मैं इनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। जीके में जो मैंने आज टॉपिक कराया वो है पासिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, स्टैटिक जीके के लिस्ट मैं बना लूंगा। सबसे पहले इसको खत्म करने के बाद 2 बार रिवीजन भी करना है, तो ये मेरा टारगेट है। सो गाइस 6:15 हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट मैंने स्टैटिक जीके की वीडियो देखी है, जिसमें से मैंने पढ़ा है टॉपिक पासिस, बाकी कल करेंगे, आज के लिए इतने रखते हैं, क्योंकि एक हफ्ते बाद मैं स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी, तो मैं नहीं चाहता कि मैं एकदम से इतना पढ़ लूँ कि मैं कल पढ़ ही ना पाऊँ। तो आज के लिए इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मिलते हैं, बाय बाय, राम राम।